चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन का एक नया सम। ये सम है फिफ्थ नंबर का सम। सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपको जो ध्यान में रखना है, जो पॉइंट मैं हर बार बोल रहा हूं वो आपको ये याद रहेगा तो काम हो जाएगा। जो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था वो कैश बुक का डिस्कस किया था। कैश बुक में बैंक का कॉलम, मैंने खाली बैंक कॉलम लगाया है, जिसमें आपको वो समझना है कि पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड होगा, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। सिंपल है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर है ये पॉइंट, मैं हर बार बोल रहा हूं वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये अनरेकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन कैश बुक आर सेम इफेक्ट। अनरेकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन कैश बुक आर क्या होगा बच्चा, तो सेम इफेक्ट होगा। अनरेकॉर्डेड मतलब जो रिकॉर्ड हुए नहीं है वो ट्रांजेक्शन की इफेक्ट डालनी है, तो जो जिसकी जो ट्रांजेक्शन की इफेक्ट हो रही है वही लिखना है। तो और समझ लो, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन की रिवर्स इफेक्ट, मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको, सपोज एक सिंपल वे में बोलूं कि जो भी ट्रांजेक्शन लिखने हैं उसकी रिवर्स इफेक्ट, जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए है और उसने पासबुक में एंट्री नहीं दी है, तो उसकी हम रिवर्स इफेक्ट डालेंगे। तो कई ट्रांजेक्शन में वर्ड लिखा होगा, जैसे स्पेसिफाई कर दिया होगा ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो वहां पे सेम इफेक्ट, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा वहां पे रिवर्स इफेक्ट। क्लियर है, ध्यान में रखना है ये छोटा सा पॉइंट, हर बार मैं बोलूंगा आपको ये फोकस करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो एक सिंपल पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप बोलोगे सर इसमें सिंपल तरीके से आपको वो क्लियर कर देना है कि यहाँ पे जो बैलेंस जो बोला गया है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस बोला जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कैशबुक के हिसाब से बैलेंस बोला गया होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है। और दूसरा जो ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बोलोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट है इस पर कैशबुक, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा और पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा। ये ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर यहां तक पहले एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते। जो बच्चा सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कैश बुक ऑफ नरेश शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक 12,000 एज ऑन 31/3/2016 विच डज नॉट टैली विद द बैलेंस एज पर कैश पासबुक। तो ये बोला गया, इसका मतलब समझना है आपको, पासबुक का बैलेंस हमें टैली नहीं हो रहा, किसके बैलेंस के साथ, कैश के बैलेंस के साथ। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा बैलेंस है, तो बोल ही दिया है क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, यहां तक क्लियर है। चलो, तो ये जैसे होता है तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले बच्चा क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर नाम भी तो लिखना पड़ेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री नरेश एज ऑन 31/3/2016, और उसमें हम क्या लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चा मैं कई जगह पे ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, पासबुक नहीं है कैशबुक है बच्चा, हाँ कैशबुक, ये गलती हो जाएगी तो पूरा उल्टा हो जाएगा। 12,000 ये पहली एंट्री ऑलवेज ऊपर या कहीं आगे पीछे दी होगी, जो आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद बच्चा दिया हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑप्टेन वाइल द कंपेयरिंग द पासबुक एंड कैशबुक, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमने ऊपर हेडिंग प्रॉपर लगा दी, फॉर्मेट रेडी कर दिया, अभी हम स्टार्ट करते हैं। A check of 10,000 were deposited with the bank 28/2016. हमने कब डिपॉजिट करवाया था, 28/2016, which is not yet recorded in passbook. समझो रॉक कहना क्या चाह रहा है। तो आप बोलोगे सर एक सिंपल बात है, यहाँ कहना बहुत सिंपल चाह रहा है कि हमने पहले क्या किया था, रिकॉर्ड किया था ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिट करवाया था। डिपॉजिट करोगे तो आप बोलोगे सर इसका हर बार फिक्स होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, लेकिन अभी तक मतलब 38/3/2016 तक कोई भी उसकी इफेक्ट नहीं आई, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं आई, मतलब आप बोलोगे सर इसका कहने का मतलब वो है कि अभी तक बैंक ने वो क्रेडिट नहीं किया। तो आप बोलोगे सर अभी तो ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नहीं है, ये रिकॉर्ड हो गया है वो ट्रांजेक्शन है, तो उसकी रिवर्स इफेक्ट आएगी। पहले हमने डेबिट किया था तो अब हम क्रेडिट करेंगे, कितने के साथ, तो आप बोलोगे सर यहां दिया हुआ है 10,000, तो लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन चेक डिपॉजिटेड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अच्छा मैं तो एक ही लाइन में ला दूंगा, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो डिपॉजिट हुआ था वो कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। आगे चलते बच्चा,
इसके बाद आप बोलोगे सेकेंड पॉइंट, अभी बच्चा यहां नहीं समझ में आया तो आगे मत बढ़ना, आप सर से पूछो, क्लियर करो, या आप आगे बढ़ो नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन और बढ़ेगा। एक एक ट्रांजेक्शन क्लियर कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद सेकेंड है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 160/38/6/2016 इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बोल दिया है, क्या बोल दिया है, तो आप बोलोगे सर बोल दिया है कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, हमें ये रिकॉर्ड करना है, तो हमने ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी उन्होंने क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, उन्होंने क्रेडिट किया है, आप बोलोगे सर क्रेडिट किया है मतलब उनके हिसाब से उन्होंने क्रेडिट किया है, इसका मतलब वो हमारी इनकम है इसलिए हमारे में क्रेडिट किया है, और हमारे में डेबिट होगा इसलिए हमारा बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। डेबिट साइड पे लिखेंगे तो 160 कितना लिखेंगे, तो आप लिखोगे सर किसकी वजह से, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था तो मतलब आप बोलोगे सर इसमें सिंपल इफेक्ट, उन्होंने क्रेडिट किया तो हमने डेबिट किया, वो ध्यान में रखना है, सिंपल इफेक्ट देनी है, कैश बुक में जो था वो सिंपल, जो सेम इफेक्ट होती है वही लिखनी होती है, सेम इफेक्ट मतलब उन्होंने क्रेडिट किया तो हमने डेबिट किया। क्लियर है? लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है कि जब भी बैंक बैलेंस, आप बोलोगे सर इंटरेस्ट देता है, कोई भी बैंक इंटरेस्ट देता है हमारे बैंक में क्रेडिट करता है, इसका मतलब हमारा बैलेंस बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो मैंने अब भी बोला था कि हमारे में डेबिट होगा, वो लॉजिक है। क्लियर है बच्चा? चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन, उसके बाद थर्ड, कस्टमर डिपोजिटेड 10,000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट विच इज नॉट नोन टिल द 38/3/2016। किसको नोन नहीं है, मतलब किसको पता नहीं है, हमें नहीं पता, हम कौन है, कैशबुक है ऑलवेज, आपको पता है, मैंने ऐसे ही डायलॉग बोला है कि आपको ध्यान में रखना है, हमें नहीं पता मतलब कैशबुक को नहीं पता, तो आप बोलोगे सर कैशबुक में रिकॉर्ड भी नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चा, लॉजिक समझो, तो क्यों ऐसे मत देखते मत जाना, ये वीडियो में बहुत इंटरेक्टिव लेक्चर रहेगा, लेक्चर वीडियो में भी सर बोल रहे इंटरेक्टिव रहेगा, क्योंकि पूछ रहे हैं सर, आपको जहां पे भी डाउट है तो पूछ लो तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जो एक पर्सन है, जो हमारा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्या किया, डिपॉजिट करवा दिए, मतलब डिपॉजिट करवाए तो उसका मतलब वो हुआ, तो यहां पे सीधा बोला है डायरेक्ट डिपॉजिट जब भी होता है तो बच्चा हमारा समझ लो बैलेंस बढ़ता है, डिपॉजिट कोई करवाता है ना तो बैलेंस बढ़ता है, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेबिट साइड पे, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है, कैशबुक में रिकॉर्ड करना बाकी है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो आप बोलोगे चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। फोर्थ पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अब तो सीधा ही बोल दिया है, जो फोर्थ पॉइंट है वो तो सीधा ही बोल दिया है कि ये क्या है कि ऊपर वाले से सेम डायलॉग है, तो आप बोलोगे सर हमने डिपॉजिट करवाया था लेकिन हम ही भूल गए रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना भूल गए, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है तो आप डिपॉजिट करोगे बच्चा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मतलब आप पैसे बिजनेस में आ रहे तो डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा तो आप बोलोगे सर ये होगा यहाँ पे 4000, आप लिखोगे 8000, मतलब यहाँ पे 8000 है तो वो 8000 लिखोगे, 4000 8000 नहीं लिखोगे, 8000 लिखोगे। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सेम टू सेम ऊपर वाला ही लिखा है मैंने, और आप वैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा आगे पीछे होगा तो टेंशन मत करना कि ये ट्रांजेक्शन गलत हो जाएंगे, समझ के करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, खाली थोड़े वर्ड्स आने चाहिए, ट्रांजेक्शन में से ही आपको वर्ड्स लिखना है, थोड़ा आगे पीछे चलता है लेकिन थोड़ा आगे पीछे। चलो आगे चलते हैं, फिफ्थ, चेक ड्रॉन एंड पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ड्रॉन मतलब हमें किसी को पेमेंट करना था, पेमेंट करना है तो पेमेंट करना है तो आप सिंपल वे में बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, पैसे बिजनेस में से जाएंगे, जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, आप बोलोगे सर इसमें क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा, क्यों बच्चा, तो बच्चा बोलेगा कि सर इसमें अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, पेमेंट हो रहा है तो आप बोलोगे सर पैसे जाएंगे इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले चेक ड्रॉन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
तो आप बोलोगे सर सिंपल है, चेक लिखा गया है, बैंक बैलेंस कम हो गया है क्योंकि वो हमारे में लिखना बाकी है। तो आप बोलोगे सर ये जो है फिफ्थ वाला वो हो जाएगा 6000। क्लियर है? उसके बाद बच्चा दिया हुआ है 6 पॉइंट में दिया हुआ है अब बिल रिसीवेबल 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर एंड द बैंक हैज रिकॉर्डेड द अमाउंट इन अ पासबुक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 40 विच इज नॉट नोन टू नरेश। नरेश को नोन नहीं है तो इसका मतलब वो है कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है। अभी बच्चा बहुत कहानी नहीं करूंगा, एक सिंपल वे में बता दूंगा क्योंकि जितना मैं ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ उतने स्टूडेंट के ज्यादा डाउट आते हैं। आपको सिंपल ये समझना है कि ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है। बैंक बैलेंस कम होता है जब भी आपको ये डायलॉग याद रखना, लॉजिक एक बार बोल देता हूँ आखिर में लेकिन बाद में बहुत डाउट आते हैं, तो आप पहले सिंपल वर्ड में समझ लो क्योंकि ये क्या है बिल्स रिसीवेबल बैंक में डिस्काउंट हुआ था जो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ये बैलेंस कम होगा तो आप बोलोगे सर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा क्योंकि बैलेंस कम हो रहा है। क्लियर है बच्चा? तो सबसे पहले आप बोलोगे सिक्स वाले में क्या है नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। फिर से एक बार बोल रहा हूँ डिसऑनर डिस्काउंटेड बिल विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। आप बोलोगे सर इसमें अमाउंट कितनी लिखी जाएगी तो 3030 क्योंकि जो चार्जेस पे करने हैं वो भी लिखा जाएगा। अभी लॉजिक समझा रहा हूँ, ये पहले आपने लिख तो लिया है। लॉजिक क्या होता है बच्चा, हमने समझ लो हमें पैसे की जरूरत थी 3000 का बिल था, मिस्टर एक्स को वो डेट पे मिलने वाले थे, मिस्टर एक्स के साथ से हमें मिलने वाले थे, पैसे की जरूरत थी तो हम बैंक में गए। हमें मिस्टर एक्स से सपोज कौन है सामने वो पार्टी का नाम लिखा है नहीं लिखा है तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि आप जाओ सर ये बिल लेके और बैंक में आप डिस्काउंट करवा दो। तो बैंक ने क्या किया, मेरे से 3000 का जो था उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और उन्होंने बोला कि अभी आपका काम खत्म, मिस्टर एक्स के साथ से हम ड्यू डेट पे जाएंगे, मिस्टर एक्स के साथ हम ड्यू डेट पे जाएंगे और पैसे ले लेंगे। पर मिस्टर एक्स ने वो ड्यू डेट पे पैसे देने के लिए मना कर दिया तो बैंक हमारे पास वापिस आएगी और बोलेगी फिर से सर कि आपके बैंक में से हम पैसे कम कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए, ओनर ने किया, बिल्स जो था उन्होंने पेमेंट नहीं किया। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है मिस्टर, एक बार और लिख के भी समझाता हूँ बच्चा, मैंने पूरी एफर्ट लगा देनी है इसमें। बहुत सिंपल है कि ये समझ लो मिस्टर एक्स को आपको मिस्टर एक्स से आपको पैसे लेने हैं तो मिस्टर एक्स ने कहा कि आपको पैसे लेने हैं अभी मैं तो दे नहीं सकता, आप तो सिंपल ड्यू डेट पे आना, जो डेट है वहां पे ही आना। तो हम गए बैंक के पास, बैंक ने बोला 3000 अभी आप ले लो, हम मिस्टर एक्स से पैसे ले लेंगे ड्यू डेट पे। तो 3000 जो होता है इसमें थोड़ा डिस्काउंट भी कट होता है लेकिन अभी के लेवल पे यही समझो कि आपको पैसे 3000 मिल गए। बैंक ड्यू डेट पे जाएगा, मिस्टर एक्स को बोलेगा भाई साहब पैसे दो, मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए तो बैंक क्या करेगा हमारे में से जो पैसे दिए थे वही कम कर देगा। समझ में आया? बस यही लॉजिक है। नहीं समझ में आया तो भी नहीं आएगा, मैंने बहुत ये समझ में आया, मुझे ये पता है कि बहुत कम स्टूडेंट को जल्दी समझ में आता है, जब ये 3-4 बार आएगा जब लॉजिक क्लियर होगा तब जाके होगा क्योंकि बिल्स का कंसेप्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वो नॉर्मल बात है, वो थोड़ा ध्यान रखना। बस बच्चा ये एक बार आप याद रख लो कि जिसमें सिंपल वे में अभी के लिए कि जिसकी वजह से बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा और किसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। आगे चलते हैं बच्चा, टोटल रिसीव साइड ऑफ कैशबुक इज कास्ट शॉर्ट बाय 2000। समझ लो कि हमारा ये जो रिसीव साइड है मतलब डेबिट साइड रिसीव बोला जाएगा क्योंकि पैसे आते हैं तो रिसीव साइड में क्या होता है डेबिट साइड ही होता है। तो आप बोलोगे सर ये कम रिकॉर्ड हुआ है, क्या रिकॉर्ड हुआ है कम रिकॉर्ड हुआ है, कितने से 2000। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं कम हुआ है तो हम क्या करेंगे उसको 2000 लिख लेंगे डेबिट साइड पे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 7 पॉइंट टोटल ऑफ कैश बुक शॉर्ट बाय 2000, सीधा ट्रांजेक्शन ही लिख दिया, कास्ट शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो। इन 8 पॉइंट जिसमें बोला है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इज 1000। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि इसमें बोला है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड बाय द पेमेंट इज 1000, लिखा गया है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। अभी समझना ये रिवर्स इफेक्ट वाला पॉइंट है।
चेक लिखा गया है, चेक लिखा जाएगा तो बैलेंस कम होगा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड पे आपने लिखा होगा क्योंकि चेक ड्रॉन है, जब चेक लिखते हैं तो बैलेंस कम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम कैशबुक में इमीजिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड कहां नहीं हुआ, तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होगा तो इसकी एक इफेक्ट क्या है, यहाँ पे क्रेडिट साइड है, रिवर्स इफेक्ट क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा डेबिट साइड पे, यहाँ पे लिखेंगे चेक क्या था, चेक ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो कितना है, तो ये 8 नंबर का ट्रांजेक्शन है 1000, आप बोलोगे डेबिट साइड पे लिखोगे, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे तो ऑलरेडी इफेक्ट डाल दिए, उसकी रिवर्स इफेक्ट मतलब डेबिट साइड। आगे चलते हैं 9 पॉइंट, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 1500, आप बोलोगे सर डिपॉजिट किया था, इसका मतलब बहुत सिंपल है, चेक डिपॉजिट किया होगा तो आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्या है डेबिट साइड पे लिखा होगा, उसकी रिवर्स इफेक्ट डालोगे तो कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, तो आप लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक से क्रेडिट नहीं हुआ, कितना 1500, तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट साइड पे, लास्ट बैंक डेबिटेड 80 इन पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, तो उन्होंने डेबिट किया है और हमें रिकॉर्ड करना भी बाकी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस कम हो जाएगा, तो क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, क्लियर है बच्चा, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि बैंक चार्जेस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है इसलिए बैलेंस कम किया गया था। बच्चा मैंने बहुत ही जगह पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा शांति से प्रॉपर समझना, अभी एक लाइन बाकी है वो हम खत्म करके टोटल करना शुरू करते। आप बोलोगे सर 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 30 प्लस 2,000 प्लस 1500 प्लस 80, तो आप बोलोगे सर ये हो रहा है 34,610, और बच्चा यहाँ पे जो है वो 30 नहीं है 40 चार्जेस है, तो 40 लिखने पड़ेंगे। बच्चा ये जो एक पॉइंट और एक छोटा सा था, टोटल ऑफ कैशबुक ओवरकास्ट मतलब अंडरकास्ट हुआ था, जो रिसीप्ट साइड का मैंने बोला था डेबिट लिखा था क्रेडिट साइड पे, वो ध्यान रखना वो डेबिट पे ही आएगा। जैसे ये पॉइंट आता है तो आप बोलोगे 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 40 और उसके बाद 1500 प्लस 80, तो टोटल करोगे तो 32,620 हो जाएगा। बच्चा ये ध्यान में रखना, ये 2000 वाला इसमें सिंपल मैंने लॉजिक भी सही अप्लाई किया था, बोला था सब कुछ सही, गलती से क्रेडिट साइड लिखा था, वो ध्यान रखना 32,620। जैसे ये होता है उसके बाद आप बोलोगे सर इसमें से सारे माइनस करो, तो 160 10,000 8,000 बाद में 3,000 है, तो जैसे करोगे तो 11,460 कौन सा बैलेंस है, तो आप लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और बाजू में लिखना है तो आप लिख सकते हो बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ गए बच्चा, ये डेबिट साइड आया इसलिए डेबिट साइड लिखा, ये कैशबुक था तो यहाँ पे पासबुक लिखा, तो ये लिखा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चा इसके साथ आपका ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अभी एक इलास्ट्रेशन सामने आएगा, वो आपको करना है, या एक सम आएगा वो आपको प्रॉपर तरीके से करना है।